हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तभी से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तभी दिन के 10:30 हो रहे हैं एंड मॉर्निंग का सारा काम हो गया। दिया भी स्कूल चली गई है, हस्बैंड भी चले गए हैं। तो अभी हम नहा धोकर रेडी हो गए हैं। आज हम बाल हेयर में मेहंदी लगाए थे तो अभी हेयर वॉश किए हैं एंड कल हम लोग जाने वाले हैं शादी में। तो कहाँ जाने वाले ये सब हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। तो पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा एंड थोड़ी देर बाद हम पैकिंग भी करेंगे। तब यहीं पास में हम एक दुकान है वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो अभी हम जस्ट दुकान से आए हैं। यहीं पास में ही दुकान था तो आए हैं। तो यहाँ पे हम गए थे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे लेकर क्या क्या आए हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसे ही होता है, जाते हैं कुछ लेने के लिए और लेकर कुछ आते हैं। तो यहाँ पे हम दो हेयर बैंड लिए हैं। तो दिया का हेयर तो अभी बहुत छोटा है, फिर भी अच्छा लग रहा था तो हम ले लिए। देखेंगे अच्छा लगेगा तो लगा देंगे उसको। एंड हम ग्रीन कलर का ढूंढ रहे थे बट ग्रीन कलर का नहीं मिला, तो ये व्हाइट एंड एक रेड लिए हैं। ये दो हेयर बैंड लिए हैं। यहाँ पे कुछ सिंदूर के डब्बे है, ये देना है हमको इसीलिए। तो हम लोग अगर कोई भी गिफ्ट देते हैं तो उसमें सिंदूर बिंदी चूड़ी जरूर देते हैं किसी को भी, कोई भी लेडीज को अगर कुछ देते हैं तो शादीशुदा। तो ये सिंदूर लिए हैं एंड बिंदी। एंड यहाँ पे गिफ्ट रैप करना है तो उसके लिए गिफ्ट रैपिंग पेपर। एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ये बिंदी हम अपने लिए लिए हैं एंड ये मल्टी कलर एक छोटा वाला बिंदी है, ये तीनों लिए हैं। एंड अगर हम कोई भी दुकान जाए और दिया का हमको कुछ कपड़े या हेयरबैंड या कुछ भी उसका नज़र आ जाए हम ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वही वो आज भी मेरे साथ। तो यहाँ पर हम दिया के कपड़े देख लिए थे, हमको अच्छा लगा ये, तो हम ये लिए दिया के लिए। जब ये लेने का कोई प्लान नहीं था, उसका ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग हो चुका है, फिर भी हमको अच्छा लगा तो ये हम लिए। ये कॉटन है, इसीलिए कॉटन देखकर ही लिए क्योंकि हमको कॉटन ड्रेस बहुत अच्छा होता है, बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं पहनने के बाद। इस तरह का है एंड इसका ये एक बैग दिया हुआ है। एंड देखिए ये ड्रेस लिए, ये भी दिया के लिए, ये भी कॉटन है। एंड इसके साथ ये पेंट दिया हुआ है। तो ये मेरा छोटा मोटा शॉपिंग। एंड अभी कल हम लोग जाने वाले हैं तो अभी हम जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए। एंड अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो वो हेल्प करेंगे पैकिंग में, क्योंकि हम जितना भी पैकिंग कर ले वो फाइनल लास्ट में हस्बैंड को करना ही पड़ता है। मेरे से अच्छे से पैकिंग नहीं होता, ये प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू से ही है। पता नहीं कब हम सीखेंगे पैकिंग करना, जितना भी हम कोशिश कर लेते हैं मेरे से नहीं होता है। तो हम जो होता है सारा सामान एक जगह पर रख देंगे एंड हस्बैंड आएंगे तो वो पैकिंग कर लेंगे एंड हमसे देखते हैं जितना होता है हम करते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में बिना स्किप किए हुए, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम गिफ्ट देने के लिए लिए हैं वो सबको हम एक जगह पैक कर देते हैं। एंड ये बेबी के लिए हम एक सूज भी दिए कल आप लोगों को, हम दिखाए थे वो भी हम इसमें ही डाल देते हैं ये वाली। अगर जो लोग मेरा शॉपिंग ब्लॉग नहीं देखे हैं वो तो प्लीज जाकर एक बार जरूर मेरे चैनल पे चेक करिएगा। कल ही हम डाले शॉपिंग ब्लॉग, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड ये बेबी की मम्मी के लिए ये बैंगल है, बैंगल एंड ये इसमें भी हम चूड़ी सिंदूर डालेंगे। एंड जिसके शादी में जा रहे हैं उसके लिए भी गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट अभी पैक नहीं हुआ है, पैक हो जाता है फिर हम अभी बताएंगे नहीं कि क्या गिफ्ट है, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी देखती है ब्लॉग तो उसको पता चल जाएगा इसी वजह से। तो अभी हम पैक कर लेते हैं फिर आप लोगों को दिखा देंगे। तो ये हो गया पैकिंग।
एंड ये दिया का ड्रेस है जो वो शादी में पहनेगी। एंड ये फ्रॉक लेंगे दिया का, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है एंड वो कपड़े खराब भी कर देती है, वो कुछ खाती पीती है तो कुछ गिरा देती है, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2-3 सेट एक्स्ट्रा लेंगे सिंपल सिंपल कपड़े। तो उसका सारा कपड़ा एक जगह रख देते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमसे जितना हो सका हम कर लिए हैं एंड यहाँ पे हस्बैंड का कपड़ा भी नहीं रखे हैं, वो देखेंगे वो क्या ले जाएंगे पता नहीं, तो वो आ जाएंगे तो फिर देखेंगे एंड फिर फाइनल पैक होगा। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं एंड फिर थोड़ी देर बाद दिया भी आ जाएगी एंड फिर नींद आ जाएगा तो सो जाएंगे 1 घंटा एंड फिर जाकर हम नाश्ता बनाएंगे कुछ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ही हम लोग लंच कर लेते हैं, 9 बजे के टाइम पर ही हम लोग लंच कर लेते हैं, तो ये टाइम पर कुछ हम बनाते हैं नाश्ता। तो अभी हम एक नैप लेकर उठ गए हैं एंड अभी हम जा रहे हैं किचन में चाय बनाएंगे, सर बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है। तो अभी हम आ गए हैं किचन में एंड हमको फ्रिज भी क्लीन करना है, तो आप 2-3 दिन के बाद से हम फ्रिज भी साफ कर। तो यहाँ पे हम अपने लिए ब्रेड चाय लिए हैं, तो हम चाय पीते हैं एंड ब्रेड भी खाएंगे एंड अभी हस्बैंड को भी दे दिए हैं, एक आदमी और था उसके लिए भी चाय बनाई थी तो उधर भी दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो हम चाय पी लिए हैं, ब्रेड भी खा लिए हैं, तो अभी हम जा रहे छत पे कुछ कपड़े सूखने के लिए डले थे तो वही उठाएंगे अभी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा एंड एक गिफ्ट भी रैप करना है, बट हस्बैंड फ्री ही नहीं है, हस्बैंड अच्छे से कर लेंगे इसलिए वो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम आ गए छत पे कपड़े उठाने के लिए एंड अभी तक दिया नहीं आई है, 15-20 मिनट में आ जाएगी, कभी उसका बहन 15 मिनट पहले आ जाता है, कभी 15 मिनट लेट करता है, तो इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना सारा कपड़ा है, ये उठाने से ज़्यादा आप टेंशन हो रहा है कि इसको फोल्ड करके हमको रखना पड़ेगा, सबसे बेकार काम हमको यही लगता है कि सारे कपड़े को फोल्ड करके रखो, सबसे बेकार काम है मेरे लिए। तो अभी जा रहे सारे कपड़े लेकर नीचे एंड जाकर फोल्ड करके सबको रखेंगे सब जगह पर। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंगो का पेड़ है एंड पहले बहुत ज़्यादा मैंगो था लेकिन तूफान की वजह से सारा मैंगो गिर गया नीचे एंड अभी बहुत कम बचा हुआ है एंड यहाँ मेरा छोटा सा गार्डन जो कि मेरे हस्बैंड करते हैं, हम तो नहीं करते, हम पानी भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते हैं, सारा ड्यूटी हस्बैंड का ही रहता है करने का, जब हस्बैंड घर पे नहीं रहते तभी हम करते हैं, नहीं तो हस्बैंड रहते तो वही करते हैं सब कुछ। तो चलिए जाते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे दिया का आने का टाइम हो गया है तो यहाँ पे हम उसके लिए एक बॉयल करने के लिए रख दिए, वो जब स्कूल से आती है तो एक बॉयल देते हैं उसको, वो खा लेती है। तो दिया के लिए एक बॉयल करने के लिए चढ़ाती हैं ना, अभी 2 मिनट में उसका एक बॉयल हो जाएगा, तो स्कूल से आएगी तो उसको एक बॉयल देते हैं, वो खा लेती है फिर वो सो जाती है, दो घंटा तो वो सोती ही है उसका। अभी डेली का ये जब से वो स्कूल जाने लगी है तब से उसका यही रूटीन है, वो स्कूल से आते ही वो बस कुछ खाती पीती नहीं है एंड बस एक रख रहता है तो वो एक खा लेती है एंड सो जाती है, 2 घंटा सोती है, फिर जागने के बाद उसको दूध
चावल दाल रोटी जो होता है वो सब खिलाते पिलाते हैं उसका। तो अभी इसका वही रूटीन है, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है मेरा। उसके बाद जो घर का थोड़ा बहुत काम रहता है, मेरा ऑनलाइन काम रहता है वो भी 3 बजे तक ही रहता है। तो बस यही सब काम है एंड फिर वही डेली का रूटीन। एक हाउसवाइफ का क्या रूटीन हो सकता है। तो बस वही सब है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी सारा कपड़ा फोल्ड करना है, इतना सारा कपड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी इतना सारा कपड़ा है फोल्ड करना है हमको, जो सबसे बड़ा हेडेक है मेरे लिए। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, फैन चलाए हुए, पता नहीं वॉइस कैसा जा रहा होगा वीडियो में। मेरा पैकिंग अभी तक नहीं हुआ क्योंकि रास्ते के पास टाइम ही नहीं है। बीच में आए थे, फिर चले गए काम से, अब वो आएंगे तो फिर गिफ्ट भी पैक करेंगे एंड बैग भी पैक करेंगे। तो यहाँ पे भी हम किचन में आ गए थे, हस्बैंड आए थे एंड उनके कुछ फ्रेंड आए थे। तो हस्बैंड बोले नूडल्स बनाओ, नूडल्स खाएंगे, तो उनके लिए नूडल्स बना रहे हैं। एंड यहाँ पे दिया भी आ गई थी, मैंने मस्ती कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं, दिया कोई वीडियो देख लेती है तो उसको याद रहता है, तो वही कॉमेडी कर रही है मेरे साथ। मम्मी मैं ये ले लूँ क्या बोल रही है? नहीं बेटा बहुत महंगा है, नहीं बेटा बहुत महंगा है, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ बहुत महंगा है, मत करो, मेरा ट्राइपॉड गिर जाएगा। अच्छा इसका भी ले। चलो पापा को दे के आते, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे हस्बैंड फ्री हो गए थे तो यहाँ पे आ गए पैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम सारा सामान दे रहे हैं, हस्बैंड यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो जैसे कि ब्लॉग में। एंड पूरा ब्लॉग देखिएगा जरूर बिना स्किप किए हुए। जैसे कि हम बताएं, हमको पैकिंग नहीं होता हमसे ठीक से, मतलब हमसे होता है लेकिन ठीक से नहीं होता है, तो इसीलिए हस्बैंड अभी कर रहे हैं। एंड दिया सो रही थी तो इसीलिए आराम से हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो वो ठीक से करने नहीं देती, एक सामान रखते तो दूसरा निकाल लेती। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो बस वही सब चल रहा है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में बिना स्किप किए हुए, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो। एंड आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों की एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मोटिवेट होंगे उससे, इसीलिए प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, जितना हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पर हम लोग का पैकिंग चल रहा है, ये पैकिंग बैग पैकिंग होने के बाद गिफ्ट पैक होगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड यहाँ 4:15 हो रहा था एंड यहाँ पर अचानक से इतना मौसम ख़राब हो गया, आंधी तूफान बारिश सब होने लगा एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। पता नहीं वीडियो में अंधेरा इतना नहीं दिख रहा लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। एंड यहाँ पर भी हम लोग गिफ्ट पैक कर रहे हैं, तो अभी गिफ्ट हम लोग का ऑलमोस्ट पैक हो ही गया है। एंड अगर आप लोगों को सच में जानना है कि गिफ्ट में क्या है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे। हम अभी जानकर नहीं बता रहे क्योंकि ब्लॉग मेरी फ्रेंड भी देखती है, इसी वजह से हम नहीं बताएं कि गिफ्ट में क्या है, शायद थोड़ा बहुत पैकिंग करते टाइम दिख भी गया हो। तो अगर सच में आप लोगों को जानना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो हम बताएँगे आप लोगों को, ज़रूर बताएँगे। तो बस यहाँ पर हम लोग का लास्ट है, ये गिफ्ट पैक हो जाए उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। एंड दिया भी अभी तक सो ही रही है, वो जाग जाएगी तो फिर उसको खाना खिलाएंगे। एंड वो स्कूल से आई है तो आज तो एक भी नहीं खाई है, कुछ भी नहीं खाई है, पता नहीं आज क्या खाकर आई थी। आज हम पूछे क्या खाई, मैडम से पूछे तो बोली बिरयानी खाई है स्कूल में, थोड़ा सा पता नहीं खाई या नहीं। तो यही सब हो रहा है अभी, एंड जो हम करते हैं वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग का बैग एंड गिफ्ट दोनों पैक हो चुका है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि।
तो फाइनली मेरा पैकिंग भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी हम जाएंगे किचन में रोटी बनाने के लिए। सुबह का भाजी है, भिंडी की सब्जी है, तो सब्जी वही हो जाएगा, गर्म कर लेंगे एंड रोटी बनाएंगे एंड दही रोटी सब्जी, यही हम लोग का डिनर हो जाएगा एंड पैकिंग भी हो गया है। तो आज का ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड हम जो करते हैं जैसे करते हैं हम सब उसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा बनाकर शेयर नहीं किए हैं। तो आप लोग देखिएगा ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आगे एंड हम कहाँ जाने वाले तो हम बता देते हैं आप लोगों को, हम जनकपुर धाम जा रहे हैं, सीता मैया की नगरी। हम वहीं पे जा रहे, बहुत पहले गए थे, बहुत साल पहले, करीब 7-8-10 साल हो गया होगा, बहुत पहले गए थे, बहुत सालों बाद जा रहे हैं हम। वहीं पर शादी है, किसका शादी है ये हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।